गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसा किया है। इसके पहले भी कांग्रेस ने अवार्ड वापसी गैंग, भारत के टुकड़े करने वाले गैंग के साथ मिलकर कई विरोध किए हैं। कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया है। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद आज किसान मजबूर क्यों हैं? आत्महत्या क्यों नहीं रुकी? नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि वे चुनाव के बाद दिल्ली चले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष अब मासिक हो जाएंगे, फिर त्रैमासिक होंगे, फिर अर्धवार्षिक और फिर वार्षिक हो जाएंगे। वह भोपाल में अब नहीं दिखेंगे। सीएम शिवराज के पीएम मोदी से मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बड़ी जीत के बाद शिवराज पीएम मोदी से मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा होगी। प्रदेश का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद किसान पहली बार स्वतंत्र हुआ है, अपनी फसल को कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार बेचने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का यह क्रांतिकारी फैसला है। कांग्रेस बताए, आजादी के इतने सालों बाद तक भी किसान क्यों मजबूर रहा? विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे देश में उन्होंने कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो कभी असहिष्णु शब्द लाते हैं, कभी अवार्ड वापसी वाले आ जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। देश अब इन्हें समझ चुका है और इनके भ्रम में कभी नहीं आया। सीएए पे इनके भ्रम में नहीं आया, वो एनआरसी पे इनके भ्रम में नहीं आया। ये कांग्रेस का रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कांग्रेस जिस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड, आप बताओ क्या देश के अंदर अकेले पंजाब में ही किसान है? बाकी जगह किसान नहीं है? बहुत जल्दी किसान को समझ में आ जाएगा। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस इस बात का भी तो जवाब दे कि आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक उसकी सरकार रही, फिर भी किसान कर्जदार क्यों रहा? किसान आत्महत्या पर मजबूर क्यों रहा? धोखा देना कोई कांग्रेस से सीखे। मध्य प्रदेश में धोखा दिया, पंजाब में धोखा दिया, राजस्थान में धोखा दिया, जहां चुनाव लड़े और उनकी सरकार बनी। कर्ज माफी के मुद्दे पर इन्होंने कर्नाटक को भी नहीं छोड़ा और वहां भी धोखा दिया कि ये नहीं आएंगे नजर। अब वो मासिक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद तिमाही होंगे, फिर छमाही होके वार्षिक हो जाएंगे वो। फिर कमलनाथ जी का आप ट्रेड, अगर देखो, मैंने उस समय भी कहा था कि 10 के बाद ये चले जाएंगे, चार्टर तैयार है, पर नहीं मानी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में दिग्भ्रम की स्थिति में है। मैंने उस समय कहा था कि ये वाटरलू साबित होगा कमलनाथ जी के उपचुनाव के परिणाम। कल्पना करोगे, 60-60 हजार, 63-63 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट आ रहे हैं, 50-50 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे, रिकॉर्ड है। वोटों का प्रतिशत तो देखो, कमलनाथ जी ने शायद वो प्रतिशत का अंतर देख लिया होगा, इसलिए चले गए। तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो हमारी प्राथमिकता ध्यान में आती है, और हमारी प्रतिबद्धता और प्राथमिकता मध्य प्रदेश के विकास को लेकर है, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आज मुख्यमंत्री जी की भेंट है। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। चिकित्सा सुविधा की कमी किसी को भी नहीं है, इसलिए उसको बांटे नहीं। दवा निशुल्क, अस्पताल निशुल्क, ऑक्सीजन निशुल्क, वेंटिलेटर निशुल्क, सब कुछ निशुल्क जो शुरू हुआ था वो आज तक चले आ रहे हैं, और बेड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।